किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सहकारी चीनी मिलों ने दोहरी मूल्य व्यवस्था का सुझाव रखा, कृषि क्षेत्र में सदाबहार क्रांति की आवश्यकता। उत्तर प्रदेश में अब तक 21,62,603.23 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद। 70% क्षेत्रों में अभी भी नहीं है सहकारी सिंचाई व्यवस्था और फिर शुरू होगी चीनी निगम की वर्षों से बंद पड़ी 3 मिलें। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों को लेकर चीनी के बढ़ते विरोध के मद्देनज़र सहकारी चीनी मिलों की संस्था NFC SFL ने बिजली और केरोसिन की तर्ज पर औद्योगिक इस्तेमाल और फुटकर उपभोक्ताओं के इस्तेमाल के लिए चीनी के दोहरे मूल्य का निर्धारण किए जाने की मांग की है। किसान, मिल मालिकों और उपभोक्ताओं जैसे प्रमुख अंशधारकों सभी के लिए यह लाभ की स्थिति होगी। सहकारी चीनी फैक्ट्रीज लिमिटेड महासंघ 262 सहकारी चीनी मिलों का प्रतिनिधित्व करने वाली अग्रणी निकाय है। संस्था ने औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए चीनी का भाव 50 से 60 रुपये प्रति किलो और फुटकर खरीदारों के लिए 30 रुपये प्रति किलो रखने का सुझाव दिया है। दोहरी मूल्य प्रणाली पहले से ही सफलतापूर्वक औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू की जा चुकी है, जिनकी दरें भी अलग अलग हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में सदाबहार क्रांति पर जोर दिया है, ताकि कृषि क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके। प्रधानमंत्री ने खाद्य सुरक्षा के बाद अब पोषण सुरक्षा की अवधारणा को अपनाए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है, जिससे 2022 को जब देश अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आबादी बढ़ रही है लेकिन ज़मीन नहीं बढ़ेगी, हमें यह देखना होगा कि उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, कैसे कम भूमि पर अधिक उत्पादन हासिल किया जाए। उन्होंने कहा कृषि क्षेत्र में चुनौती कायम है, हम हरित क्रांति 1 और हरित क्रांति 2 की बात करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य सदाबहार क्रांति का होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्रय केंद्रों द्वारा शुक्रवार तक 79,230.22 मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा गया और अब तक 21,62,603.23 मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा जा चुका है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 7,76,387.73 मीट्रिक टन गेहूँ खरीदा गया था। प्रदेश के खाद्य आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 80 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद लक्ष्य के सापेक्ष अब तक लगभग 27% खरीद हुई है। किसानों को दे 3,514.23 करोड़ रुपए के सापेक्ष 7% भुगतान किया जा चुका है। गेहूं की खरीद योजना के तहत अब तक 4,74,589 किसान लाभान्वित हुए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया है कि 70% कृषि क्षेत्र अभी भी सरकारी सिंचाई व्यवस्था से वंचित हैं। एक सवाल के जवाब में राज्य की सिंचाई मंत्री ने कहा कि सरकार टेल के बजाय खेत तक पानी पहुँचाने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि राज्य की कुल भूमि 240.93 लाख हेक्टेयर में से 188.40 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें से मात्र 56.01 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई सरकारी व्यवस्था से होती है, जबकि 132.39 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई किसान अपने संसाधनों से करते हैं। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि सूखी हुई नदियों एवं नालों को पुनर्जीवित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई एवं जानवरों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी बाढ़ से प्रभावित एवं कटान वाले क्षेत्रों में मौके पर जाकर निरीक्षण करें एवं आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए कार्य योजना बनाकर अतिशीघ्र उपलब्ध कराएं। सरकार का संकल्प है कि अधिक से अधिक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव सिंचाई ने कहा है कि हर खेत को पानी देने के लिए CM के सपने को हर हाल में साकार करके दिखाना है। प्रदेश में कहीं भी किसान को सिंचाई का संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए समुचित प्रबंध करने होंगे। शनिवार को उन्होंने ये विचार उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना द्वितीय चरण की अधिशासी समिति की बैठक में रखे। उन्होंने कहा वन ड्रॉप मोर ड्रॉप के सिद्धांत को अमली जामा पहनाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से 470 किसान सिंचाई विद्यालय स्थापित करने के लिए काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां कम पानी में अधिक पैदावार के लिए वाटर स्कूल योजना संचालित होगी। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है कि बुढ़वल, छाता और नंदगंज की चीनी मिलों को इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने के लिए 30 साल की लीज पर दिया जाएगा। इन मिलों के चालू होने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और लगभग 1 लाख किसान लाभान्वित होंगे। मिलों को चलाने का निर्णय CM के निर्देश पर किसानों के व्यापक हितों को देखते हुए लिया गया है। प्रदेश सरकार ने बीजों पर किसानों को अनुदान जारी रखने का फैसला किया है। इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिए गए हैं। धान, गेहूं और जौ के बीजों पर बीते 10 वर्षों में बीजों की प्रजातियों पर 400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अनुदान मिलेगा। 10 वर्ष से अधिक लेकिन 15 वर्ष से कम की प्रजातियों पर 200 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान दिया जाएगा। सरकार ने तिल की बुआई के लिहाज से विशेष जिलों झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर और फतेहपुर में निर्धारित प्रजातियों के बीजों
पर कीमत का 40% या 5000 रुपये प्रति क्विंटल जो भी कम हो बतौर अनुदान देने का फैसला किया है। शेष स्थान पर यह अनुदान तिल के बीजों के मूल्य के 50% की सीमा तक दिया जाएगा। किसान भाइयों, आइए अब रुख करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की ओर और जानते हैं अनाज व सब्जियों के औसत थोक बाजार भाव किस प्रकार रहे। गेहूं मेरठ में 1646 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1625 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 1630 रुपये प्रति क्विंटल और कानपुर में गेहूं 1650 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। चना मेरठ में 6630 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 5800 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 5900 रुपये प्रति क्विंटल और कानपुर में 5430 रुपये प्रति क्विंटल बिका। और चावल मेरठ में 2480 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 2550 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 2560 रुपये प्रति क्विंटल और कानपुर में 2200 रुपये प्रति क्विंटल बिका। मसूर की बात करें तो मेरठ में मसूर 5730 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 4850 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 5350 रुपये प्रति क्विंटल और कानपुर में 5140 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। अरहर मेरठ में 4300 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 3300 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 4450 रुपये प्रति क्विंटल और कानपुर में 3950 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। आलू मेरठ में 470 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 490 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 340 रुपये प्रति क्विंटल और कानपुर में 455 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। और प्याज मेरठ में 925 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 640 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 650 रुपये प्रति क्विंटल और कानपुर में 760 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। केला मेरठ में 1525 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 2350 रुपये प्रति क्विंटल, आगरा में 2310 रुपये प्रति क्विंटल और कानपुर में 1550 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है
कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता। नमस्कार, सभी किसान भाइयों का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के इस अंक में। किसान भाइयों, खेती करते समय हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसी में से एक प्रमुख समस्या है सिंचाई की, जिसे देखते हुए साल 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ हुआ था। लेकिन ये कृषि सिंचाई योजना क्या है, कैसे काम करती है और किस तरह से आप इसका लाभ उठा सकते हैं, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री रामचंद्र सिंह जी, जो कि अपर कृषि निदेशक सामान्य है कृषि भवन लखनऊ में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। सिंचाई की समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई गई थी, तो क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्या है प्रमुख उद्देश्य, किस तरह से ये काम करती है? किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि इसके नाम से ही आप अवगत हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक भारत सरकार की उच्च प्राथमिकता प्राप्त अम्ब्रेला योजना है। अम्ब्रेला योजना से आशय ये होता है कि इसके नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं और इस योजना के नीचे भी कृषि है, माइनर इरिगेशन है, हॉर्टिकल्चर है, सिंचाई विभाग है, बहुत सारे सिंचाई विभाग मिलकर के काम करते हैं। और इन सब का मूल उद्देश्य ये है कि जो जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ सिंचाई की सुविधा पहुँचाई जाए। अब इसको पहुँचाने के लिए, योजना को तैयार करने के लिए, जैसा कि आपने बताया कि ये 2015 में लाई गई है, सबसे पहले ये काम हुआ हमारी वाटर बजटिंग का। पूरे ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट इरीगेशन प्लान बनाया गया और इस डिस्ट्रिक्ट इरीगेशन प्लान के माध्यम से एक डिटेल स्टडी की गई, जिससे पता लगाया गया कि कौन से क्षेत्र में हमारे में पानी है, कितना पानी है, कितना हमको चाहिए, आज नहीं अगले 2020 तक कितना पानी चाहिए और उस पानी की प्रतिपूर्ति हम कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे विभाग मिलकर काम करते हैं। सर, एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जी जी। तो यहाँ भी ये जो योजना शुरू की गई थी, तो इसका प्रमुख आवश्यकता क्या थी? देखिए, आपने बहुत सही कहा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और हमारे किसान भाई अच्छी तरह से जानते हैं, बल्कि वो रोजाना देखते ही हैं कि जो हमारा सिंचित क्षेत्रफल है उसकी पैदावार अच्छी होती है, उसमें लाभ ज़्यादा मिलता है बनस्पति असिंचित क्षेत्रफल में। तो असिंचित क्षेत्रफल में भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए ये योजना लाई गई है। जैसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो हमारे प्रदेश में तकरीबन 166 लाख हेक्टेयर खेती योग्य जमीन है और इसमें से 144 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जो करीब 87% है, और बचता है 13%। तो 13% उन किसानों को भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो और जितना जल्दी हो, जल्दी से जल्दी सुविधा उपलब्ध हो, तो उसके लिए ये कार्यक्रम लाया गया। अच्छा, अब आप अपनी इस चर्चा को किसानों पर ले जाते हैं, तो हमारे किसान भाई इस योजना का लाभ किस तरह से उठा सकते हैं, कौन कौन से चरण हैं? देखिए, किसान भाई किस तरह से लाभ उठाएं, इसको जाने से पहले मैं थोड़ा सा जानकारी किसान भाइयों को देना चाहूँगा कि इसके जो चरण हैं, यानी इसमें जो घटक हैं, एक घटक ये है जिसका नाम है एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, यानी ये सिंचाई